नमस्ते दोस्तों, अभी iQOO Neo 9 Pro लॉन्च हो चुका है और अगर आप भी सोच लियो हो अपने 35,000 को आग लगाने के लिए तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि इस फोन में ना मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी जो आज आपको बताने वाला हूँ। और कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इस फोन को ना लेने पे मजबूर कर सकती है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है सारा कुछ बात करते हैं, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। चलो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, आइए बात करते हैं पहली प्रॉब्लम के बारे में। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए वेरी कर सकती है इनका, जो लोग वेस वेरिएंट लेना चाहते हैं। अब इनका जो वेस वेरिएंट है वो आपको 8/128 GB देखने को मिलेगा और उसमें स्टोरेज टाइप ये लोग 3.1 यूज़ किए हैं, और इनका जो हायर वेरिएंट है उसमें ये लोग स्टोरेज टाइप 4.0 यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप इनका हायर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 1000 का फ़र्क दिखेगा बेस वेरिएंट से। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप इनका हायर वेरिएंट ले 1000 लगा के एक्स्ट्रा। अब देखो यहाँ पे ना जो इनका बेस वेरिएंट है वो अभी से मिल भी नहीं रहा है, ये मिलेगा आपको मार्च से। तो अभी इनका हायर वेरिएंट अवेलेबल है, अगर आपको बाय करना है तो आप ये ले सकते हो। तो जैसा कि मैं बता, कुछ लोग लिए वेरी कर सकता है, जो लोग बेस वेरिएंट लेना चाहते थे मैं उनको बिल्कुल मना करूंगा कि आप इसका बेस वेरिएंट ना लेके इनका हायर वेरिएंट लो, उसमें आपको स्टोरेज टाइप फास्ट मिलेगी। दूसरी बात, आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलेगी, आपको सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा लगाना है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। ये ना सबको फील होगा, चाहे आप लोअर वेरिएंट की बात कर लें चाहे आप हायर वेरिएंट की बात कर लें, अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फील होगा ही। अब इसमें ना कोई NFC वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग होंगे जो NFC यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो NFC यूज़ नहीं करते होंगे, बट देखो NFC एक पार्ट है जो आने वाले टाइम पे लोग यूज़ करेंगे और इस फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे NFC से बेसिकली होता क्या है, अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हो तो आप टैप टू पे कर सकते हो, मतलब आप अपने फ़ोन को बस टैप करोगे पे हो जाएगा, आपको कार्ड डिटेल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फीचर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो इस फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम बोल सकते हो। वैसे ये फ़ोन भाई आपको 36-37 हज़ार तक आता है इनका हायर वेरिएंट, तो ये चीज़ इनको देना चाहिए था, ये कॉस्ट कटिंग की गई है आप लोग बोल सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम के बारे में। अब ये चीज़ है ना, आपको फील भी होगा नहीं भी होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ आपको पता लगेगा। अब ये फ़ोन फंटच OS 14 के साथ में आता है, एंड्रॉयड 14 के साथ में, और 3 साल की इसमें आपको मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे और 4 ईयर्स के यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट, मतलब 4 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़े बहुत तो ब्लॉटवेयर मिलने वाले, जैसे स्नैपचैट और भी ऐसे ऐप थोड़े बहुत मिलेंगे ब्लॉटवेयर, वैसे हॉट गेम हॉट ऐप नहीं है, बट हाँ ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जब इस फ़ोन को सेटअप करोगे, और वहाँ पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ ज़्यादा ही आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसमें जो ब्लॉटवेयर हो रहा है उनको आप अनइंस्टॉल ज़रूर कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत। बट यहाँ पे अगर बात करें कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे इसका प्रोसेसर आपको एक बेटर गेमिंग कराएगा, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता है जो पिछले साल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर आप कह सकते हो। वैसे देखो इसमें ना एक आपको अलग से कस्टम चिप भी देखने को मिलती है Q1, जो आपको स्पेशली गेमिंग में हेल्प करेगी, जैसे इस फ़ोन में आप अगर गेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको स्मूथ में 90 FPS VGMI वगैरह आप खेल सकते हो, और आपको एक अलग से कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे आप वॉइस चेंज कर सकते हो, गेम बूस्ट वगैरह कर सकते हो। बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम के बारे में। अब ये चीज़ें ना कैमरा से रिलेटेड है। अब अगर आप इसका कैमरा देखने जाओगे तो यहाँ पे 50 MP मेन कैमरा देखने को मिल जाता है आपको, 8 MP आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे फोटोज वगैरह निकल के बाहर आई है, मैं बहुत सारी वीडियोज वगैरह देखा हूँ, अब वहाँ पे फोटोज वगैरह आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है नेचुरल मोड में, बट अगर वीडियो की बात करते हैं तो फ्रंट साइड से आप केवल 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बैक साइड से आप 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हो। चलो बैक साइड ठीक है, इनको फ्रंट साइड भी 4K देना चाहिए था, बट ये चीज़ें नहीं दी गई है, जबकि इनका हार्डवेयर प्रोसेसर दोनों चीज़ कैपेबल था, फिर भी ये लोग 4K रिकॉर्डिंग नहीं दिए हैं फ्रंट साइड, ये चीज़ें थोड़ा आपको फील होगा। बट हाँ वीडियो वगैरह के मामले में अगर आप देख रहे हो इस फोन को तो वो उतना बेटर नहीं है, वीडियो वगैरह स्पेशली, कैमरा वगैरह थोड़ा बहुत बेटर है, सेल्फी वगैरह भी आपको बेटर निकल के आती है, बट अगर बात करें वीडियो वगैरह की तो उतना बेटर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से इसमें प्रोसेसर यूज़ हुआ है, जिस हिसाब से इसका हार्डवेयर है, तो उस हिसाब से आपका इसका कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस फोन में प्रॉब्लम बोल लो, या फिर आप लोग बोलो अपग्रेड इनको कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं किया गया है,
या फिर कॉस्ट कटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है इस फ़ोन में। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। और आप भी अगर अपने पैसे को आग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्राइस वगैरह देख सकते हो। अब ये लोग ना 512 GB भी दे सकते थे, बट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी कर रही है, जो लोग लेना चाहते हैं उनको ज़रूर कर रही होगी, क्योंकि फ्यूचर के लिए कुछ तो भाई देना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे हम अपने फ़ोन को 3-4 साल चलाते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियो सेव करके रखते हैं, तो 512 GB देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया है। तो वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।